हेलो एवरी वन हाई दिस इज़ दीपक हेयर वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज है सीरीज वेयर आई एम टीच यू वन फिफ्टी वन रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और उसमें आज ये दूसरी क्लास है जिसके अंदर मैं आपको रूल नंबर थ्री पढ़ाने वाला हूँ कई बार ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में ठीक है अजर्टिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है कहाँ एस सी आई एस लगाना है कहाँ एस सी आई एस नहीं लगाना है तो लोगों को आइडिया नहीं हो पाता सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ अजर्टिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं ठीक है अजर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे एक स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं राइट और नॉर्मली इनमें फुल स्टॉप लगता है ठीक और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिसमें विश आती है जिसमें डिजायर आता है जिसके अंदर ब्लेसिंग आती है ठीक है और ये जो है ये हमारे फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं ठीक है और ये हमारे एक्सक्लामेट्री से भी एंड हो सकते हैं ठीक है ये फुल स्टॉप से भी एंड हो जाते हैं और एक्सक्लामेटरी से लेकिन एक चीज ध्यान रखना जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज करते हो तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी आपकी वर्ब जो है उसके साथ प्लूरल आती है ठीक है सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी आपकी जो वर्ब है वो आपकी उसके साथ प्लूरल आती है किसके अंदर ऑप्टेटिव में अब पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कभी भी लाइफ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो समझ लेना वो प्लूरल वर्ब है ठीक और कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसिया ई एस दिखाई दे तो समझना वो आपकी सिंगुलर वर्ब है ये डिफरेंस हर किसी को पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसिया ई एस सिंगुलर वर्ब होती है ठीक है ये ध्यान रखना आपने बहुत बार सुना होगा भगवान आपकी लंबी उम्र करे तो गॉड ब्लेस यू या यू ठीक है ना गॉड यू अब गॉड देखिए है। है ना गॉड सिंगुलर है तो अगर मैं बात करूं तो आइडियली आपका एस आना चाहिए था क्योंकि ये सिंगुलर है ठीक है और ये आपका प्लूरल है ये आपका प्लूरल है ठीक लेकिन क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसमें प्रेयर हो रही है तो इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर प्रेयर हो रही है विश डिजायर हो रही है तो ध्यान रखना आपका आंसर क्या आएगा गॉड ब्लेस यू है ना और इसलिए हम इसको गॉड ब्लेसेस यू नहीं बोलते है ना अगर मैं बोलू ऐसे ही नॉर्मली ले लू राम प्ले और प्लेज तो अगर आप अब देखें ये एक सिंपल सेंटेंस है अजर्टिव तो राम अगर सिंगुलर है तो इसके साथ आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा प्लीज क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है ये आपका अजर्टिव सेंटेंस है तो अगर आपका अजर्टिव सेंटेंस आता है तो आप सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही लगाते हैं लेकिन अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है तो फिर आप उस केस में एस, या एस नहीं लगाते और एक चीज और ध्यान रखना हमें ठीक से पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सा ऑप्टेटिव है और कौन सा अजर्टिव है राइट right? चलो मैं आपको एक सेंटेंस की तरफ ले चलता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी हो पाए अब देखिए चार तरीके से मैंने लिखा है गॉड सेव द किंग गॉड सेव्स द किंग राइट गॉड हेल्प दोज हेल्प सेल्फ गॉड हेल्प्स दोज हुम सेल्फ तो आपको ये पता करना है इसमें कौन सा राइट आंसर है ठीक तो देखिए पहला तो सही है पहले में समझिए वो कह रहा है भगवान राजा की रक्षा करो तो इसका मतलब वो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं और ये वाला कौन सा सेंटेंस है ऑप्टेटिव और अगर ये ऑप्टेटिव है तो हम सेव लगाएंगे सेव्स नहीं लगाएंगे ये ऑप्टेटिव है तो हम सेव लगाएंगे सेव नहीं लगाएंगे गॉड सेव द किंग लेकिन अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूं तो अगला सेंटेंस जो हमारा कह रहा है वो क्या कहता है देखिए अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट है कोई ये प्रेयर नहीं है कोई ये विश नहीं है डिजायर नहीं है तो ये वाला सेंटेंस जो है ये वाला आपका अजरटिव सेंटेंस है और अगर ये अजर्टिव सेंटेंस है और गॉड आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर आप लगाइए गॉड हेल्प दो आएगा। लोग क्या करते हैं रट लेते हैं कि गॉड आ गया तो एस आई एस नहीं लगाएंगे या गॉड आ गया तो लगाएंगे मैं कह रहा हूं आप इसको रटिए मत इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझिए कि कब एस आई एस लग सकता है कब नहीं पहले में नहीं लगा क्योंकि ऑप्टेटिव था दूसरे में लगा क्योंकि वो ऑप्टेटिव नहीं था राइट तो ये हमने रूल नंबर थ्री में सीखा और आई होप आपको ये समझ आया होगा चलो एक रूल और हम कर लेते हैं दो दो रूल करते हुए चल रहे हैं हैं हर वीडियो वीडियो में एक रूल और कर लेते है ना तो अच्छा रहेगा वीडियो भी थोड़ा अच्छा जाएगा है ना चलिए रूल नंबर फोर देखिए और ये मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ना बहुत गलती करते हुए देखा है दोस्तों अपोज को समझिए अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं देखो जैसे मैंने बहुतों को देखा है ऐसे लिखते हुए है ना गर्ल्स वॉशरूम तो मैं इसको आगे लेता हूं, यहां पे लेता हूं देखिए अगर मैं बोलू मैंने बहुतों को लिखते देखा है गर्ल्स वॉशरूम तो देखिए अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है एक लड़की का इसका मतलब है एक लड़की का क्योंकि आपने सिंगुलर के आगे अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया अगर आपने गर्ल्स वॉशरूम बोला तो इसका मतलब आपने एक लड़की का वॉशरूम है जबकि इसको ऐसे बोलना चाहिए था क्योंकि ये प्लूरल है गर्ल्स और गाइस जब पहले से ही प्लूरल हो ना तो उसमें दोबारा एस नहीं लगाते है ना ऐसे नहीं करते जैसे प्लूरल है गर्ल्स तो दोबारा एस नहीं लगाते इसको आप कैसे यूज करेंगे इसको आप यूज करेंगे गर्ल्स और लास्ट में अपोज ऐसे लगा देंगे और फिर आप लिखेंगे गर्ल्स वॉशरूम इसका मतलब अब यह है सारी लड़कियों का ठीक है जैसे बहुत बोलते हैं ना बॉयज हॉस्टल तो बॉयज हॉस्टल में आप ऐसे नहीं लगाएंगे बॉयज हॉस्टल यह गलत हो जाएगा ठीक और ना ही आप इसको ऐसे बोलेंगे बॉयज होस्टल ये भी गलत हो जाएगा ठीक ये दोनों के दोनों गलत है इसको बोलने के लिए आप क्या बोलोगे बॉयज होस्टल राइट ये ध्यान रखिएगा इसको बोलने के लिए आप कैसे बोलोगे बॉयज हॉस्टल बॉयज के बाद अपोज एस लगेगा जो पहले से ही एस से एंड होते हैं उनमें बाद में एस के बाद अपोज लगता है ये ध्यान रखना कभी भी आप किसी को अगर टीचर डे विश करे तो गाइस ये नहीं होता है ना टीचर्स डे नहीं होता ये गलत है ठीक और ना ही ये होता ठीक है ना ही ये होता ये भी गलत है मतलब अगर मैं बोलूं ये भी गलत है ध्यान रखना ये जो सही है वो क्या है टीचर्स डे तो इसका मतलब यहां पर अपोज ट्रॉफी आप लगाइए तो सही बनेगा टीचर्स डे यानी एस के ऊपर अपोज ट्रॉफी ये लगेगा ठीक है ये एस के ऊपर अपोज ट्रॉफी लगेगा यहां पर देखो ऐसे ठीक तो टीचर्स डे तब जाके वो सही होगा तो इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा राइटिंग करते हुए लिखते हुए ये गलत नहीं होने चाहिए चलो आओ जल्दी से इसके एक आंसर बना लेते हैं जैसे गर्ल्स कॉलेज है ये गलत हो गया क्योंकि एक लड़की का है और गर्ल्स कॉलेज में ऑलरेडी ऐसे उसके बाद अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा ये वाला सही है गर्ल्स कॉलेज और अपोस्ट्रॉफी चाहिए था तो ये गलत हो जाएगा राइट ये ध्यान रखना अपोस्ट्रॉफी चाहिए था तो ये गलत हो जाएगा ठीक है आइए इस पे मैं और थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का आइडिया और देता हूं मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा ये ध्यान रखना चलो आइए देखिए इसको देखिए अब जैसे मैं फेसेज है है ना माइसिस ठीक अगर मैं बोलू माइसिस है चिल्ड्रंस टॉय है, है तो यार देखो एक चीज ध्यान रखना मैन हो गया प्लूर सिंगुलर और मैन हो गया प्लूरल तो मैन प्लूरल है तो फिर उसका अपोस्ट्रॉफी ऐसे बनेगा मैंस नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है अगर मैं बोलू मैंस नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है माउस आपका सिंगुलर है और माइस हो गया प्लूरल तो माइस में अपोज लगाना है तो ये बनेगा माइसिस राइट right? और वेमेन वेमेन अगर मैं बात करूं डब्ल्यू ए एम ए एन वेमेन है ठीक है इसका प्लूरल क्या होगा वेमेन तो अपोज लगाना होगा तो ऐसे लगेगा और अगर मैं लास्ट देखूं चाइल्ड आपका सिंगुलर है ठीक है और चिल्ड्रन इसका प्लूरल है चिल्ड्रन में अगर अपोस्ट्रॉफी लगेगा तो वो ऐसे लगेगा कोई वर्ड ही नहीं है चिल्ड्रंस ये कोई वर्ड ही नहीं है माइसिस कोई वर्ड नहीं है और mens कोई वर्ड नहीं है इनको अगर ठीक करना था तो ये होगा mens, यहाँ पर अगर ठीक करना था तो ये होगा माइसिस ये ऑलरेडी सही है और चिल्ड्रंस टॉय में अगर ठीक करना है तो ये होगा चिल्ड्रंस राइट तो ये ध्यान रखिएगा तो इस तरीके से आप इनको ठीक कर सकते हैं चलो आई होप ये बड़ा नॉलेजेबल वीडियो लगा होगा आपको शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश करी and guys, ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आपको पूरी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेरी सुन आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट नजर आने लगेगा इन सबको आप रेप्लीकेट करिए अपनी डेली लाइफ में है ना और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए माय नेम इज दीपक कीप सपोर्टिंग आठ बजे मेरा यूट्यूब वीडियो है वो जरूर देखिए बहुत शानदार उसमें मैं चालीस क्वेश्चन करा रहा हूँ आज के टाइम में और वन आवर फिफ्टीन मिनट्स का मेरा वीडियो रहता है ठीक तो कीप सपोर्टिंग माय नेम इज दीपक द वन हु टेक्स केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थैंक यू सो मच गाइज बाय मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर फाइव रूल नंबर सिक्स के साथ राइट थैंक यू सो मच बाय गाइज